गाइज आपका मेरे चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में बताऊंगा अगर आप ई पैसा की जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो डिलीट करना चाहते हैं तो हिस्ट्री को कैसे डिलीट किया जाए आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल क्रिकेट एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करें ऐसी नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं, जैसे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है। क्रोम ब्राउज़र करने ओपन करने के बाद यहाँ पे जाना है इसकी स्क्रीन पे। तो यहाँ पे हमें सर्च करना है, क्या सर्च करना है वो बताता हूँ। यहाँ पे हमें इजी पैसा सर्च करना है, इजी पैसा सपोर्ट। तो इजी पैसा पहले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को सर्च कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे कुछ हमें ख़ास फीचर नहीं मिल रहा जिससे हम अपनी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकें। तो हमें यहाँ पे फिर से बैक आना है और यहाँ पे सर्च करना है इजी पैसा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री डिलीट। तो फिलहाल फिर से कोई हमें यहाँ पे स्टेप नहीं मिल रहा है जिससे हमें अपनी हिस्ट्री को डिलीट कर सकें। तो हमें यहाँ से बैक आ जाना है और इस बार हमें एक मेथड है वो करके देखना है जिससे हमारी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है वो डिलीट हो जाएगी। तो यहाँ पे फिर से बैक आके हम यहाँ पे सर्च करेंगे इजी पैसा। तो आपको भी सेम टू सेम जैसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ वो सर्च करना है और उसके बाद इजी पैसा सपोर्ट सर्च करना है, सपोर्ट ईमेल। तो यहाँ पे सर्च कर दीजिएगा, इसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट वाला सेक्शन भी दिया, पर हमें इजी पैसा कॉन्टैक्ट ईमेल सर्च करना है, उनका ईमेल सर्च करना है। इसके बाद हमें उनको ईमेल पे एक मेल सेंड करना है कि हमारी जो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री है इस नंबर की वो डिलीट कर दीजिएगा। तो हमें ये बहुत अर्जेंट है। तो ये सब करने के बाद वो आपको 48 घंटे में रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।